Hello friends, this is Dr. Sajadwani because I have received many queries that I should upload the videos regarding geography of India. So this is the first video in the series. I will start with Biosphere Reserves of India. So let's start. Biosphere Reserves. Biosphere Reserves hote kya hain? Ye areas hote hain. They can be terrestrial, they can be coastal or marine, or they can be a mix of बोथ. दैट मीन्स बायोस्फीयर रिजर्व, पहले आपको याद रखना है, बायोस्फीयर रिजर्व सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम नहीं होता, ये कोस्टल या मरीन इकोसिस्टम भी हो सकता है, या इट मे समटाइम्स बी अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ. इट कैन बी टेरेस्ट्रियल एज वेल एज कोस्टल और मरीन, ये आपको याद रखना है. दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक 18 बायोस्फीयर रिजर्व एस्टेब्लिश किए हैं, और जो ये बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं दे correspond more or less to the IUCN category 5 protected areas. ये आपको ऐसे याद रखना है. IUCN आपको पता ही होगा, International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. So, Biosphere Reserves, पहला पॉइंट मैंने बोला, they may be terrestrial or they may be coastal or they may be a combination of both. दूसरा पॉइंट मैंने बोला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स एस्टेब्लिश किए हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स, और बायोस्फीयर रिजर्व्स ये कॉरस्पॉन्ड विद इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN कैटेगरी 5 प्रोटेक्टेड एरियाज, आप फिलहाल ऐसे याद रखेंगे. आगे चलेंगे, देयर आर 669 बायोस्फीयर रिजर्व्स एट प्रेजेंट थ्रू 120 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड इनमें से 20 ट्रांसबाउंड्री साइट्स में हैं. दैट मीन्स दे स्पान ओवर वन आर मोर कंट्री. सो 75 साइट्स इन 28 कंट्रीज इन अफ्रीका, 31 साइट्स इन 11 कंट्रीज इन अरब स्टेट्स, 147 इन 24 कंट्रीज इन एशिया एंड पैसिफिक, 287 साइट्स इन 36 कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, 129 साइट्स इन 21 कंट्रीज इन लेटिन अमेरिका एंड करीबियन. सो कम से कम आप ये याद रख सकते हैं दैट देर आर 669 बायोस्फीयर रिजर्व थ्रू आउट वर्ल्ड इन 120 कंट्रीज एंड 20 आर ट्रांस बाउंड्री साइट्स. बायोस्फीयर रिजर्व की एक्चुअल डेफिनेशन ये है दैट दीज बायोस्फीयर रिजर्व दे मे बी मैरीन और कोस्टल और दे मे बी टेरिस्ट्रियल और अ मिक्सचर ऑफ बोथ एंड दे आर मेंट टू प्रोटेक्ट लार्ज एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट. That means they are larger than wildlife sanctuary and a national park. ये आपको याद रखना है. And they often include one or more national parks or preserves. ठीक है, तो biosphere reserve ये sanctuary या national park से बड़ा होता है और कभी कभी इसमें एक दो national parks भी हो सकती हैं. और it include the buffer zones that are open to some economic uses as well. ठीक है, तो इसमें कुछ जोन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अलाउड, ये याद रखना है. जैसे नेशनल पार्क में वहां तो कोई एक्टिविटी अलाउड नहीं होती, लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व्स में सम इकोनॉमिक एक्टिविटी इज अलाउड, ये आपको याद रखना है. प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड नॉट ओनली टू फ्लोरा एंड फौना, जैसे नेशनल पार्क में होता है, नहीं, नॉट ओनली फ्लोरा एंड फौना आर प्रोटेक्टेड बट ऑल्सो द ह्यूमन कम्युनिटीज जो इस एरिया में रहते हैं, ठीक है, एंड देयर वेज ऑफ लाइफ. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डेफिनेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व पहला मैंने बोला, दे कैन बी कोस्टल ऑफ मरीन और दे कैन बी टेरिस्ट्रियल एज वेल और दे कैन बी अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ. दूसरा पॉइंट मैंने बोला, दे आर लार्जर देन नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तीसरा पॉइंट मैंने बोला दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑल्सो अलाउड इन द बफर जोन्स ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स. चौथा पॉइंट मैंने बोला दैट दे नॉट ओनली प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फौना बट ऑल्सो द ह्यूमन कम्युनिटीज विच इनहैबिट दीज एरियाज. सो बायोस्फीयर रिजर्व की फंक्शन क्या क्या होती है. पहली फंक्शन प्रायोरिटी पे, दैट इज कंजर्वेशन फंक्शन. ये सबको पता होगा दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेंट टू कंजर्व जेनेटिक रिसोर्सेज, स्पीशीज, इकोसिस्टम्स एंड लैंडस्केप्स. ठीक है, ये तो ठीक है. उसके बाद दे हैव सम डेवलपमेंटल फंक्शन एज वेल. दे हेल्प टू प्रमोट सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट. सो ह्यूमन डेवलपमेंट इसमें इनका रोल है. सो द बायोस्फीयर रिजर्व्स हैव अ डेवलपमेंटल रोल. जैसा कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में बोला, दे हेल्प इन प्रोटेक्शन इन ह्यूमन कम्युनिटीज एज वेल. तीसरा पॉइंट इज दैट दे हेल्प इन द लॉजिस्टिक सपोर्ट. दैट मीन्स दे
provide support for research and analyzing the issues of conservation and sustainable development. आपको याद रखना है, that means they support the research in conservation. ठीक है, आगे चलेंगे. बायोस्फीयर रिजर्व में तीन जोन्स होते हैं. फर्स्ट होता है कोर जोन, उसके बाद होता है बफर जोन, और उसके बाद होता है ट्रांजिशन जोन. ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे कोर एरिया से. कोर एरिया इज एंटायरली सिक्योर्ड एरिया. ठीक है, एंड इट इज द प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम दैट कंट्रीब्यूट्स टू द प्रिजर्वेशन ऑफ लैंडस्केप, इकोसिस्टम, स्पीशीज एंड जेनेटिक वेरिएशन. ठीक है, सो कोर एरिया इट रिजेंबल्स द नेशनल पार्क. नेशनल पार्क जैसे वहां पे द एरिया इज एंटायरली सिक्योर्ड एंड इट इज प्रोटेक्टेड. इट प्रोटेक्ट्स द इकोसिस्टम, इट प्रोटेक्ट्स द लैंडस्केप्स, प्रिजर्व द इकोसिस्टम एंड स्पीशीज. वैसे ही हमारा कोर एरिया होता है इन द बायोस्फीयर रिजर्व. उसके बाद दूसरा जोन होता है जिसको हम बफर जोन बोलते हैं. ये कोर एरिया के इर्द गिर्द होता है एंड इट इज यूटिलाइज फॉर एक्टिविटीज. इसमें कुछ एक्टिविटीज अलाउड हैं विच आर कंपैटिबल विद साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस एंड दैट कैन फोर्टिफाई साइंटिफिक रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन. ये आपको याद रखना है. मीन्स बफर जोन में थोड़ी सी एक्टिविटी अलाउड है, लेकिन कौन सी एक्टिविटी विच इज विच सपोर्ट्स आवर रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन. ठीक है, लेकिन इट मस्ट बी कंपैटिबल. ये आपको याद रखना है, इट मस्ट बी कंपैटिबल विद द इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस. और उसके बाद हमारा थर्ड जोन है विच इज नोन एज द ट्रांजिशन एरिया. इट इज द ग्रेटेस्ट एक्टिविटीज आर परमिटेड टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट दैट इज सस्टेनेबल ओनली इन द ट्रांजिशन एरिया. जैसा कि मैंने स्टार्ट में बोला, सो देयर आर थ्री एरियाज, सी बी एंड टी, कोर एरिया, बफर जोन एंड ट्रांजिशन एरिया. ठीक है, यू कैन रिमेंबर दिस. कोर एरिया, बफर जोन एंड ट्रांजिशन एरिया. कोर एरिया इट इज एंटायरली सिक्योर एंड प्रोटेक्टेड इकोसिस्टम. बफर जोन में इसमें एक्टिविटीज अलाउड हैं विच आर कंपैटिबल विद द साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, जैसे रिसर्च, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन. एंड तीसरा पॉइंट जो मैंने बोला, द ट्रांजिशन एरिया, इसमें एक्टिविटी अलाउड है, द ग्रेटेस्ट एक्टिविटीज परमिटेड लाइक द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड दोज एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द ह्यूमन डेवलपमेंट. आगे चलेंगे, देखिए दिस इज द डायग्राम. So I own no copyright on these maps and pictures that I have used. I have used these pictures only for educational purposes. So मैं कोई copyright claim नहीं कर रहा हूँ. I have downloaded these images from various sources for educational purpose only. So this is the core area. इसके बाद इसके इर्द गिर्द जो area है, this is the buffer zone. और उसके बाद है transition zone. Core area, it is the protected area, secure area. बफर जोन में यू कैन डू रिसर्च, मॉनिटरिंग एटसेट्रा. एंड इन दिस जोन, द ट्रांजिशन जोन, यू कैन डू दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टूरिज्म वगैरह वगैरह. ठीक है, जैसे यहाँ पे दिस एम इंडिकेट्स मॉनिटरिंग एंड रिसर्च इन कोर एरिया. उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन बफर. ठीक है, एंड रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च साइट्स इन बफर जोन, टूरिज्म इन बफर जोन. और ट्रांजिशन एरिया में यू कैन अलाउ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज एज वेल. आगे चलेंगे, द इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व. देयर आर 18 बायोस्फीयर रिजर्व. मैं बायोस्फीयर रिजर्व के नाम बोलूंगा, द ईयर ऑफ देयर नोटिफिकेशन और उनकी लोकेशन. कम से कम आपको वो बायोस्फीयर रिजर्व याद रखना है जो सबसे पहले नोटिफाई हुआ, और कम से कम स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं. इफ यू डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द हिल्स एंड एरियाज जहां पे वो बायोस्फीयर रिजर्व है, कम से कम आपको स्टेट्स के नाम याद रखने हैं. द अर्लीस्ट वन, द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इज नीलगिरी. ये आपको जरूर याद रखना है. नोटिफाइड इन 1986, पार्ट ऑफ वायनाड, नागरहोल, बाणीपुर, मधुमलाई, नीलम्बूर, साइलेंट वैली एंड सिरुवानी हिल्स. स्टेट्स के नाम आपको याद रखने हैं, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका. ठीक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटक. ये आप याद रखेंगे. ठीक है, उसके बाद द सेकंड वन वाज नंदा देवी 1988, पार्ट ऑफ चमोली, पिथौरगढ़ एंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड. ठीक है, नंदा देवी इन उत्तराखंड.
नीलगिरी इन टीकेके, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका. उसके बाद थर्ड वन इज नोकरेक, 1988, पार्ट ऑफ गारो हिल्स. गारो हिल्स आपको पता ही होगा, दे आर इन मेघालय, सो यू कैन रिमेंबर दिस, नोकरेक इन मेघालय. ठीक है. उसके बाद ग्रेट निकोबार 1989, ये आपको याद रखना है 1989. ओब्वियसली इट विल बी इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इन द साउदर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जिस आइलैंड को हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड. ठीक है, उसी में ग्रेट निकोबार है. और यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे, बिकॉज इट इज एन आइलैंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड, सो इट इज इन बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन. एंड दिस बायोस्फीयर रिजर्व इट इज ऑन एन आइलैंड, दिस इज यूनिक अबाउट इट. ठीक है, ये आप याद रखेंगे, यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स. उसके बाद गल्फ ऑफ मन्नार 1989, इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार, बिकॉज यू नो दैट गल्फ ऑफ मन्नार इज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, सो इंडियन पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार श्रीलंका के सबसे क्लोजेस्ट जो स्टेट है दैट इज तमिलनाडु, सो आपको ये याद रहेगा. ठीक है, तमिलनाडु गल्फ ऑफ मन्नार. उसके बाद मानस 1989, यहाँ पे नेशनल पार्क भी है, पार्ट ऑफ कोकराझार, बोंगाईगांव, पारपेता, नालबरी, कामरूप एंड दारांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. मानस इज इन आसाम. ठीक है, आगे चलेंगे. सुंदरबंस, ये तो आपको पता ही होगा, दिस इज लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड. 1989, पार्ट ऑफ डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ये तो वेस्ट बंगाल में है, बिकॉज यू नो दैट सुंदरबंस दे स्पान ओवर द वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश. उसके बाद सिमलीपाल 1994, पार्ट ऑफ मयूरभंज, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट. ठीक है. उसके बाद डिब्रू साइखोवा इन 1997, इट वॉज नोटिफाइड, पार्ट ऑफ डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. ठीक है, अभी तक आसाम में हमने एक तो मानस पढ़ा, अब हमने दूसरा डिब्रू साइखोवा भी पढ़ा. आगे चलेंगे. दिहांग दिबांग, ये इट इज एसोसिएटेड विद ब्रह्मपुत्र, सो यू कैन रिमेंबर इट. 1998, पार्ट ऑफ सियांग एंड दिबांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, दिहांग दिबांग इज इन अरुणाचल प्रदेश. उसके बाद पचमारी इन 1999, पार्ट्स ऑफ बैतूल, होशंगाबाद एंड चिंदवारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी. पचमारी इज इन मध्य प्रदेश. यू कैन मेक सम टिप्स, यू कैन मेक सम एसोसिएशन, यू कैन फॉर्म स्टोरीज, जिससे आपको याद रहेगा. कंचनजंगा, इसको हम कंचनजोंगा भी बोलते हैं, बिकॉज ऑफ द नेटिव लैंग्वेज ऑफ सिक्किम, वहाँ पे इसको कंचनजोंगा भी बोलते हैं, हम कंचनजंगा पढ़ेंगे बिकॉज वी नो द कंचनजंगा. सो 2000, पार्ट ऑफ कंचनजंगा हिल्स ऑफ सिक्किम, ये आपको याद रखना है. ठीक है. उसके बाद अगस्त मलाई 2001, नेयार, पेपारा, शेंदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड देयर एडजॉइनिंग एरियाज इन केरला, ये आप याद रखेंगे, अगस्त मलाई इज इन केरला. अचानक मार अमरकांतक 2005, कवर्स पार्ट्स ऑफ अनूपपुर एंड डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, ये आपको याद रखेंगे. अचानक मार अमरकांतक इट लाइज ओवर एमपी एंड छत्तीसगढ़, बिकॉज छत्तीसगढ़ वॉज इट सेल्फ अ पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, आपने शायद इंडियन पॉलिटी में पढ़ा होगा, एंड इट वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश इन द ईयर 2000. आगे चलेंगे. कच्छ 2008, ये तो सबको पता है, इट इज इन गुजरात, पार्ट्स ऑफ कच्छ, राजकोट, सुरेंद्र नगर, पटन, सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात स्टेट. ठीक है. उसके बाद कोल्ड डेजर्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है. 16, 17, 18 आप याद रखेंगे. 2009 में पिन वैली नेशनल पार्क, यहाँ पे एक और पॉइंट क्लियर होता है, पिन वैली नेशनल पार्क इट इज इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है. किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इट इज इन हिमाचल प्रदेश, दे आर ऑल कवर्ड इन द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व. उसके बाद शीशाचलम 2010, शीशाचलम हिल रेंज कवरिंग द पार्ट्स ऑफ चित्तौर एंड कडापा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आप याद रखना. ठीक है. एंड द लास्ट वन, लेटेस्ट एडिशन टू बायोस्फीयर रिजर्व, ये आपको याद रखना है, इज द पन्ना 2011 में, पार्ट ऑफ पन्ना एंड छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये आप याद रखेंगे. सो ऐसे आप याद रखेंगे, नीलगिरी वॉज द फर्स्ट वन, कम से कम ये तो आप ये आपको याद रखना है. टी के की तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका, टी के की फॉर नीलगिरी आपको याद रहेगा 1986 का. उसके बाद आप कम से कम लास्ट वाली भी याद रखेंगे, पन्ना इन 2011 मध्य प्रदेश. ठीक है, ये आप याद रखेंगे.
फिर आगे चलेंगे, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया, यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, दिस इज़ द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, और यहाँ पे है ये नीलगिरी, ठीक है, इट स्पॉन्स ओवर TKK, दैट इज़ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, ठीक है। उसके बाद अगस्तमलाई, यहाँ पे हमने पढ़ा केरला, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु का पार्ट है, शेषाचलम मैंने बोला था आंध्र प्रदेश में है, यह सिमलीपाल इन उड़ीसा, यह पचमारी इन MP, दिस पन्ना MP, अचानक मर अमरकांतक बिटवीन MP एंड छत्तीसगढ़, कोल्ड डेजर्ट इन हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी इन उत्तराखंड, कंचनजंगा इन सिक्किम, यहाँ पे दिहांग दिबांग दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश, एंड दिब्रू साइखोवा इन आसाम, मानस इन आसाम, नोक्रेक इन